हेलो फ्रेंड्स, लंदन में छोटे बच्चों के पार्क कैसे होते हैं आइए मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, इस तरह का झूला है मेरे पीछे, आप देख रहे हैं। ये छोटा सा झूला है, इस रस्सी वाले पुल से ऊपर चढ़कर जाना है और यहाँ से आपको फिसलना है। यहाँ पर ये देखिए, जमीन पर भी इस तरह के गेम्स बना रखे हैं, भी बहुत ही खूबसूरत यहाँ पर गेम्स हैं। ये देखिए, इस तरह का रोप का झूला बना रखा है, ये रोप पर चढ़कर जाना है और वहाँ पर पहुँचना है। बेसिकली ये लोग चाहते ये हैं कि बच्चे इंटेलिजेंट बने, कितने टाइम में वहाँ पर पहुँचना है, दुविधाओं का सामना करना है। तो इस तरह के ये रोप के इन्होंने चढ़ने वाले सब जगह बना रखे हैं। बच्चों में रेस होती है, कौन पहले ऊपर चढ़ेगा, कौन गिरेगा नहीं। ऐसा नहीं है बच्चे गिरते नहीं हैं, गिरते भी हैं बच्चे, लेकिन उसके बाद फिर शुरू हो जाते हैं। मेरे पीछे भी आपको छोटे छोटे झूले दिख रहे होंगे, 3 साल से लेकर 6 साल तक के बच्चे यहाँ पर झूलते हैं। ये इस तरह आपको नीचे डंडा दिख रहा होगा, ये रोलर है, ये रोल होता है जब बच्चे चलते हैं और रस्सी को पकड़ कर चलना होता है। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, ये कुछ इस तरह का रोलर है नीचे लगा हुआ। ये देखिए, पैर रखने से ये रोल हो जाता है, इसमें भी बैलेंस ही करना है। तो पीछे आप डंडे लगे देख रहे हैं, इसमें भी बैलेंस करते हुए आपको भाग कर ये ब्रिज क्रॉस करना है। पकड़ने के लिए ये जगह जगह डंडे लगे हुए हैं, कोई प्रॉपर वाली रेलिंग तो है नहीं, तो बच्चे गिरते हैं और आगे बढ़ते हैं। धीरे धीरे प्रैक्टिस हो जाती है और फिर बच्चे आगे चलने लगते हैं। इसी तरह का ये देखिए, ये टेढ़े से 2 डंडे लगे हुए हैं, टेढ़े से डंडे हैं ये, और इन पे बैलेंस बनाकर रन करना होता है। ये आपको बहुत ही अजीब लगेंगी ये चीज़ें, लेकिन इससे बच्चों में बैलेंसिंग आती है और मुश्किलों से लड़कर भागना आता है इनको। हर तरह की दुविधा में ये भाग सकते हैं। इस तरह के झूले मुझे बहुत अच्छे लगे, 3 से 6 साल तक के बच्चे अगर ये झूले झूल लेंगे तो रास्ते में कहते हैं ना, मैं अटक कर गिर गया, यहाँ से टकरा गया, तो बच्चों की वो आदतें ख़त्म हो जाएंगी। ये देखिए, ये बहुत छोटे बच्चों के लिए झूला है, और ये एरिया ना वाकई में ये ग्राउंड बहुत प्यारा लग रहा है। ये देखिए, बहुत खूबसूरत है ये प्लेग्राउंड, छोटा सा है और रेजिडेंशियल इलाके में बना हुआ है। पीछे आपको घर दिखाई दे रहे होंगे, ये देखिए रेजिडेंस है और उनके बीच में घिरा हुआ है ये, बहुत ही छोटा सा। ये छोटे छोटे स्विंग्स हैं छोटे छोटे बच्चों के झूला झूलने के लिए, और इस तरह के छोटे छोटे पार्क हर लोकेलिटी में हैं, हर रेजिडेंशियल एरिया में यहाँ पर मेरे को दिखाई दिए। सेंट्रल लंदन में तो दिखाई दिए, बाकी का मुझे पता नहीं, लेकिन इसकी केयर भी ना बहुत ही बढ़िया तरीके से करी गई है। बहुत ही चमक रहा है, बहुत ही प्यारा है। मैं जब भी यहाँ से निकलती हूँ ना, मुझे यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे घूमते हुए नज़र आते हैं पेरेंट्स के साथ। इसके पीछे ना एकदम क्रैच बना हुआ है, वो जो बिल्डिंग दिखाई दे रही है ना ट्रायंगल से जिसकी छत है, वो क्रैच बना हुआ है। अभी बच्चे वहाँ पर खेल रहे हैं अपनी केयर टेकर के साथ, उसके बाद ये यहाँ पर आएंगे या शाम को आएंगे। अभी तो दोपहर का 1 बजा है, तो स्कूल में होंगे, कल छुट्टी थी। बहुत ही अच्छा मौसम है लंदन में, मई का महीना भी बहुत ज़्यादा ठंडा ठंडा है। मैंने जैकेट और स्वेटर पहन रखा है। ये देखिए, दोपहर के 1 बजे भी बहुत अच्छी ठंड है। तो आपको कैसे लग रहे हैं मेरे लंदन के ब्लॉग्स, ज़रूर बताइएगा। और बेल्जियम गई थी, वहाँ की भी वीडियोस मैंने शॉर्ट में भी डाली हैं और लॉन्ग वीडियोस भी मैं डालूंगी। तो देखते रहिए और बताते रहिए कि वर्षा जैन का ब्लॉग्स लंदन में आपको कैसे लग रहे हैं। बहुत जल्द मिलते हैं एक नए ब्लॉग में। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ़ौरन सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि एक भी वीडियो आपकी छूट ना जाए और आप सारी वीडियोज़ देखते रहें। लंदन घूमिए मेरी आँखों से, मेरे साथ खूबसूरत लंदन, खूबसूरत मौसम।